हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर है लाइट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो लाइट है, यानी लाइट मतलब प्रकाश। तो लाइट, जैसे कि जब आप किसी अंधेरे कमरे में होते हैं, यानी एक ऐसे कमरे में जो कि डार्क रूम होता है, यानी अंधेरा कमरा होता है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले स्विच ऑन करते हो। जैसे ही कमरे में एंटर करते हो, कमरे में आते हो, आप स्विच ऑन करते हो। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, आपका जो बल्ब है वो प्रकाश देने लग जाता है, ठीक है, जिससे लाइट आपको दिखाई देती है। और लाइट के कारण ही, उसके रिफ्लेक्शन के कारण, यानी परावर्तन के कारण ही आपको कमरे में रखी हुई सभी वस्तुएं या जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिखाई। अगर मान लीजिए कि आपके जो घर में लाइट का जो पावर है वो ऑफ हो रखा है, यानी आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, लाइट जो है उत्पन्न नहीं हुई। क्यों उत्पन्न नहीं हुई? क्योंकि आपके घर में बिजली नहीं आ रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, जिस कारण आपका जो बल्ब है स्विच ऑन करने पर उसका प्रकाश, वो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाया और आपका जो कमरा है वो अंधेरा ही रह गया। तो जब आपके घर में लाइट नहीं होती है तो आप क्या करते हो, आप टॉर्च निकालते हो और टॉर्च का जो स्विच है उसे ऑन करते हो। तो जैसे ही आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, एक लाइट बीम, यानी प्रकाश की किरण आपको दिखाई देती है। जैसे ही आप उस प्रकाश की किरण को, यानी जो आपके टॉर्च से उत्पन्न हो रही है, उस प्रकाश की किरण को आप जिस भी वस्तु के सामने रखते हो, आपको वो वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि उस लाइट की वजह से, क्योंकि जो लाइट है वो क्या हो रही है, उस वस्तु पे पड़ रही है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी परावर्तित हो रही है, जिस कारण हमें क्या कोई भी वस्तु दिखाई देती है जिसपे हम उस टॉर्च की जो फ्लैश लाइट है उसे क्या करते हैं, डालते हैं। अगर हम टॉर्च की फ्लैशलाइट की बात करें, ठीक है, जो टॉर्च की लाइट होती है वो आपको कुछ ऐसे दिखता है कि जैसे कि जो रोशनी है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चल रही है। तो जैसे कि आपको उस टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश से महसूस होता है कि जो लाइट रेज है या प्रकाश, जो रोशनी है या प्रकाश है, वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही शेप में चल रही है, उसको हम लाइट बीम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम लाइट बीम कहते हैं या फिर बीम्स ऑफ लाइट कहें। इसके लिए या इसको समझने के लिए हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ट्रेन दिखाई दे, ठीक है, ट्रेन दिखाई दे रही है और ये जो ट्रेन है अंधेरे में रात को चल रही है, ठीक है, पटरी में चल रही है। तो जब ये रात को पटरी पे चलती है, ठीक है, तो आप जानते हो रात को तो हमें चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमारे सामने या आसपास जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको देखने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये ट्रेन है इसके सामने कोई वस्तु ना आए या कोई चीज़ आगे या कोई किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट ना आए, इसलिए क्या करते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन कर देते हैं, यानी इसके जो बल्ब हैं उन्हें ऑन कर देते हैं, प्रकाश क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो आप जानते हैं इसमें जो बल्ब लगे होते हैं वो दीप्त हो जाते हैं, ग्लो करने लग जाते हैं, और आगे जो भी वस्तु है, कोई वस्तु है या नहीं या कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे, ये सब इस रोशनी से दिखाई दे। तो आपने देखा होगा जो इसकी लाइट्स होती हैं वो भी आपको एक
एक शेप में जाती हुई दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से, एक प्रॉपर शेप में, या आपको ऐसे लगता है कि एक सीधी लाइन में ये क्या हो रही है, जा रही। ऐसे ही जब हम गाड़ियों की, जैसे कि आपकी जो स्कूटर मोटरसाइकिल होते हैं उसकी जो हेडलाइट होती है, तो रात को जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप यात्रा करते हो, कहीं जाते हो, किसी के घर जाते हो, तो आप क्या करते हो, ताकि आपको रास्ते की सारी चीज़ें ढंग से दिखाई दे, आप ढंग से ड्राइव कर पाए, तो आप क्या करते हो, उस हेडलाइट को ऑन कर दो। ठीक है, उस हेडलाइट को क्या करते हो, ऑन कर देते हो। तो जब आपने देखा होगा कि उस हेडलाइट को जब हम ऑन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकाश है, जो उसके जो हेडलाइट है उसके बल्ब से जो प्रकाश यानी लाइट निकल रही है, वो एक डायरेक्शन में चल रही, जिसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणें कहते हैं, या आप कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट। अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लें, आपका एग्जाम्पल किसका है, लाइट हाउस का एग्जाम्पल। तो लाइट हाउस में भी रात को देखने के लिए बल्ब होता है लगा हुआ, बल्ब से भी हमें जो प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते, यानी कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपकी जो बल्ब हैं, जिनसे हम किसी भी वस्तु को देखना चाहते हैं अंधेरे में, तो हम ये देखते हैं कि उसमें जब भी हम प्रकाश को चलते हुए देखते हैं या लाइट को चलते हुए देखते हैं, तो एक बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में वो हमें दिखाई देता है, यानी बंच ऑफ रेज होते हैं, यानी बहुत सारे जो किरणें होती हैं उनका ग्रुप होता है जो कि एक डायरेक्शन में हमें चलता हुआ दिखाई दे। इसको समझने के लिए कि हमारी जो लाइट रेज है वो एक सीधी रेखा में चल रही है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रही है, हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपकी जो प्रकाश है वो सरल रेखा पे क्या होती है, अनुदिश गमन करती है, यानी एक सीधी रेखा में चलती है। इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है यानी कैंडल लेनी है, और उसको क्या करना है, जलाना है। ठीक है, उसको जलाना है, उसे लाइट अप करना है। और जैसे ही आप उसे जलाएंगे, आप जानते हैं क्या होगा, आपके जो चारों तरफ या उस मोमबत्ती के चारों तरफ आपको रोशनी दिखाई देगी, यानी प्रकाश दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, एक पाइप लेना है, एक सीधा पाइप लेना है, और आपको उस सीधे पाइप को अपनी आंखों के पास रखना है, यानी उसका एक सिरा अपनी आंख के पास रखना है और दूसरा सिरा उस कैंडल की लौ के पास रखना है, यानी जो उसकी फ्लेम है, जो आपकी कैंडल है, मोमबत्ती है, उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो लौ है, उसके पास दूसरा सिरा रखना है, और आपको उस मोमबत्ती की जो लौ है यानी फ्लेम है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि उस पाइप के, यानी जो पाइप है, जो आपने पाइप लिया है, जो कि एक सीधा पाइप है, ठीक है, कैसा पाइप है, ये सीधा पाइप है, उससे जब आप उसके एक सिरे से जब आप मोमबत्ती की फ्लेम को देखोगे, उसकी जो लौ है उसे देखोगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि आपको जो मोमबत्ती की फ्लेम है यानी लौ है, ये जो आपकी मोमबत्ती की क्या है, फ्लेम या लौ है, वो आपको काफी साफ साफ अच्छे से दिखाई दे। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की। अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया था, एक सीधा पाइप लिया, कैसा पाइप लिया था, सीधा पाइप लिया था पहले केस में, और आपने मोमबत्ती की लौ देखी। अगर हम किसी मुड़े हुए पाइप से देखें, आप यहाँ पे देख सकते हो एक मुड़े हुए पाइप से जो आपका कैंडल है, मोमबत्ती है, उसकी आप लौ देखेंगे, उसकी जो फ्लेम है उसे आप देखेंगे। तो जब आप उसकी फ्लेम को देखेंगे एक मुड़े हुए पाइप से, तो आप क्या देखेंगे कि आपको मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो दिखाई नहीं दे, क्योंकि जो पाइप है वो बीच से क्या है, मुड़ा है। इस कारण आपको मोमबत्ती की जो फ्लेम है, लौ है, वो आपको
दिखाई नहीं दे। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जब हमने एक सीधा पाइप लिया तो हमें जो आप कैंडल है, कैंडल की जो क्या है, जो आपके फ्लेम है वो आपको साफ दिखाई दी। लेकिन अगर वही हम कोई मुड़े हुए पाइप से उस कैंडल की फ्लेम को यानी मोमबत्ती की फ्लेम को देखते हैं तो वो हमें नहीं दिखाई दी। इसका मतलब है कि जो प्रकाश है यानी लाइट है वो एक सरल या सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है या ट्रैवल करता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है यानी गमन करता है। हमने अभी बात करी बीम ऑफ लाइट की, ठीक है, फिर हमने बात करी कि जो आपका प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में चलता है? एक सीधी रेखा, सरल रेखा में चलता है। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो हमारा जो प्रकाश है वो एक बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में एक सीधी रेखा में चलता है, तो जब भी कोई दर्पण या किसी भी तरीके की शाइनी चमकीली सतह उसके सामने आती है तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है यानी परावर्तित करता है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई बॉल लीजिए, ठीक है, आपने एक बॉल लेनी है और आपको क्या करना है, उस बॉल को उठाना है और आप जब उसे दीवार पे मारेंगे, ऐसे फेंकेंगे उसे, इस तरीके से फेंकेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप उसे हिट करेंगे दीवार पे या आप उसे फेंकेंगे दीवार पे, वो क्या होगा, वो उस दीवार से लगेगा और फिर वापस क्या होगा, दीवार पे लगेगा और फिर वापस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि इसी कॉन्सेप्ट से जो आप मैंने आपको अभी बताया कि आप जैसे ही बॉल फेंकेंगे वो दीवार से लग के वापस आएगी। यानी कि आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पानी देख सकते हैं, ये क्या है, एक तालाब है, ठीक है, ये तालाब है और इसके किनारे आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ये तालाब है इसमें पानी है और आपको जो ये पेड़ पौधे हैं जो इस तालाब के किनारे हैं इनका रिफ्लेक्शन यानी इनका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो आपको इस तालाब में दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हमने अभी समझा कि जो आपकी लाइट रेज होती है यानी प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती है, वो वस्तुओं में यानी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है और उसे रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित होती है। और जब वो जो लाइट रेज है पानी जैसी सतह पर पड़ी जो कि एक क्या है, स्मूथ शाइनी सरफेस है, ठीक है, कैसी है, चिकनी चमकीली सतह है, उस पर जब वो पड़ी तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुई। तो जो इमेज है या प्रतिबिंब है पेड़ों का वो आपको किसमें दिखाई दिया, पानी में, यानी जो तालाब है उसके पानी में आपको उनकी प्रतिबिंब दिखाई। इसी तरीके से अगर हम गाड़ियों में लगे दर्पण की बात करें, गाड़ियों में लगे दर्पण की बात करें, जो आपके मिरर होते हैं जिन्हें हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा जो गाड़ी के किनारे पे दर्पण लगे होते हैं उनसे आपको पीछे के यानी गाड़ी के जो पीछे है, पीछे जो भी चीज़ है, आपको जो भी वस्तुएं हैं, जिस भी तरीके के आपको दृश्य है वो आपको दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका जो लाइट है, प्रकाश है, वो पेड़ों से रिफ्लेक्ट होके आपके मिरर जो आपका दर्पण है उसकी सरफेस पे पड़ रहा है, उसकी सतह पर पड़ रहा है। और जो दर्पण है वो कैसा दर्पण है, आप देख सकते दर्पण कैसा होता है, एक शाइनी सरफेस होती है, चिकनी और चमकीली सतह होती है। तो जैसे ही वो इस पे रिफ्लेक्ट करता है तो आपको पीछे का जो दृश्य है उसका प्रतिबिंब यानी इमेज आपको मिरर यानी दर्पण में दिखाई देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है यानी प्रकाश का परावर्तन का कॉन्सेप्ट है। यानी जिस तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे कि आप किसी बॉल को, किसी गेंद को जब आप किसी दीवार पे
फेंकते हैं वो पीछे वापस आता है, बाउंस बैक करता है। उसी तरीके से जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो जब किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो भी उसी तरीके से वापस परावर्तित होती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है, यानी बाउंस बैक होती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जब भी किसी प्रकाश की किरण या प्रकाश को हम दर्पण पे डालते हैं या वो दर्पण पे पड़ती है, तो जो दर्पण है यानी मिरर है वो उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा को बदल देता है। क्या करता है? उसकी दिशा को बदल देता है, यानी जो आपका प्रकाश होता है उसकी दिशा को वो बदल देता है। जो ये प्रोसेस है, ये फिनोमेना है, ये परिघटना है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा बदल जाती है। इस परिघटना को, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, यानी मिरर पे जो बीम ऑफ लाइट पड़ रही है या किसी भी तरीके की लाइट रे पड़ रही है, जो आपका प्रकाश की किरणें पड़ रही है, जब वो आपके दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण क्या करता है? उसकी दिशा को, उसके प्रोपोगेशन या जो चलने की दिशा है, गमन की जो दिशा है, उसको बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जो मिरर है, मिरर की वजह से, दर्पण की वजह से जो आपकी लाइट रेस है या प्रकाश है उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल रही है, उसकी दिशा बदल रही है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या हम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी जब भी किसी मिरर या दर्पण पे या कोई चमकीली सतह है उस पे जब भी प्रकाश पड़ता है तो वो चमकीली सतह उसकी दिशा बदल देती है, उसकी डायरेक्शन बदल देती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी जो गमन की दिशा है वो बदल देती है। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? एक टॉर्च लेनी है। आप एक टॉर्च लेंगे और उसको किसी पेपर से कवर कर देंगे यानी ढक देंगे, और उस पेपर, जिस पेपर से आप उस टॉर्च को ढकेंगे उस पे बीच में आपने एक स्लिट बना दी। इस तरीके से स्लिट बना देनी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके की आपको क्या बनानी है? स्लिट बना देनी है, एक बारीक सी स्लिट बना देनी है। अब आपको क्या करना है? आपको एक बोर्ड लेना है, ठीक है, कोई भी गत्ता ले सकते हो आप, उसके ऊपर चार्ट पेपर लगाना है और उसके ऊपर एक दर्पण रख देना है, कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से आपको दर्पण को इस तरीके से बोर्ड के आगे चिपका देना है या लगा देना है और उसे इस तरीके से बनाना। अब आपको क्या करना है? अब आपको टॉर्च को ऑन करना है। क्या करना है? टॉर्च को ऑन करना है। जैसे ही आप टॉर्च ऑन करेंगे आप क्या देखेंगे कि जो आपका पेपर टॉर्च के ऊपर लगाया गया है, यानी जो आपने कागज टॉर्च के ऊपर लगाया है जिसके बीच में हमने स्लिट बना रखी है, उससे आप रोशनी निकलते हुए देखेंगे। क्या देखेंगे? उस टॉर्च के जो ऊपर पेपर लगा है उस पे स्लिट बनाया है, उस
स्लिट से आप रोशनी निकलते हुए देखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस टॉर्च को एक एंगल पे, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इस टॉर्च को इस मिरर के यानी इस दर्पण के सामने तिरछा रखना है, ऑन करते हुए तिरछा रखना है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो आपके पास ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं आपको लाइट सीधी रेखा में चलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे आपको लाइट जो प्रकाश है वो इस तरीके से सीधी रेखा में चलते हुए दिखाई दे। अब जैसे ही वो प्रकाश इस दर्पण के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हम ये जानते हैं जैसे ही प्रकाश किसी चमकीली सतह जैसे कि कोई दर्पण हो गया या पानी हो गया उसके ऊपर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ से प्रकाश या लाइट की जो बीम है वो सीधे आपके मिरर पे यानी दर्पण पे पड़ेगी, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी यानी दर्पण से, क्योंकि दर्पण क्या है, एक चमकीली सतह है, दर्पण क्या है, एक चमकीली सतह है, चिकनी चमकीली सतह है। तो क्या होगा, ये प्रकाश इस दर्पण की सतह से रिफ्लेक्ट होगी यानी परावर्तित होगी, और आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से प्रकाश परावर्तित हो रही है। आपको यहाँ पे लाइट रेज या फिर हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट जो कि हमारे टॉर्च से निकल रही है वो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही हो। तो इस तरीके से जो आपका प्रकाश होता है वो क्या होता है, परावर्तित होता है जब भी किसी चिकनी चमकीली सतह पर वो पड़ता है। तो इस तरीके से आप ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, यानी प्रकाश समतल दर्पण से क्या होता है, परावर्तित होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप जब भी किसी प्लेन मिरर के सामने लाइट को रखोगे, ठीक है, या लाइट की बीम उस पर फॉल कराओगे या फिर प्रकाश उस पर डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो जो प्रकाश है वो परावर्तित हो जाए। तो हमने अभी ये देखा कि किस तरीके से एक समतल दर्पण जो आपका प्लेन मिरर होता है उससे हम वो क्या करता है, परावर्तन करता है यानी रिफ्लेक्शन करता है। हमने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, पहले तो हमने ये देखा कि किस तरीके से किसी भी सतह से आपका जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। फिर हमने एक प्लेन मिरर के में ऑब्जर्व किया एक एक्टिविटी के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है वो किस तरीके का प्रतिबिंब यानी किस तरीके की इमेज बनाता है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे जो आपकी बुक की एक्टिविटी 15.2 है। आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, क्या लेनी है, कैंडल लेनी है, ठीक है, और उस कैंडल को क्या करना है, आपने जलाना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये कैंडल, मोमबत्ती दिख रही होगी, और इसको आपने क्या करना है, जला देना है कुछ इस तरीके, और एक समतल दर्पण लेना है और इस कैंडल को, इस मोमबत्ती को उस दर्पण के आगे रख देना है। तो जैसे कि आप जानते हो कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु को हम किसी समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है यानी उसकी इमेज बनती है। क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है। आप चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें, क्या बनती है, इमेज बनती है यानी प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे कि हम इस एक्टिविटी में कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने एक प्लेन मिरर समतल दर्पण लिया, उसके आगे हमने एक मोमबत्ती यानी कैंडल जला कर रखी, तो हमें इस मोमबत्ती की इमेज यानी प्रतिबिंब दिखाई दे। अब आपको क्या करना है,
अब इस कैंडल को आपने यानी इस मोमबत्ती को आपने अलग अलग दिशा में मूव कराना है यानी हिलाना है। चाहे आप इसको इधर ले जाएं, चाहे आप इसको इधर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, आप सारी दिशाओं में इसको क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। जब आप इसको मूव कराएंगे, गति करवाएंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो ये कैंडल है, जो ये कैंडल है यानी जो आपकी मोमबत्ती है, आप इसकी इमेज देखेंगे, तो जब आप इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो आपका प्रतिबिंब है यानी इस कैंडल का यानी इस मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो आपको इरेक्ट यानी सीधा दिखाई दे। कैसा दिखाई देगा? इरेक्ट यानी सीधा दिखाई देगा। चाहे आप इस मोमबत्ती को किसी भी दिशा में मूव करवाओ, आपको जो इमेज मिलेगी वो बिल्कुल सीधी मिलेगी, बिल्कुल एकदम सीधी आपको इमेज मिलेगी। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो एक समतल दर्पण होता है यानी एक प्लेन मिरर, क्या होता है, एक जो प्लेन मिरर होता है, क्या है ये, एक प्लेन मिरर है यानी समतल दर्पण है। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है, वो हमेशा इरेक्ट यानी सीधी इमेज या सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो एक सीधी इमेज बनाता है, और पिछली एक्टिविटी से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण होता है वो क्या करता है, जब भी उस पर हम प्रकाश को डालते हैं यानी लाइट रे उस पे फॉल करवाते हैं तो वो उसे रिफ्लेक्ट करता है यानी परावर्तित करता है। और सेकेंड एक्टिविटी से हमें पहला हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो एक इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो आपके पास ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका क्या है, कैंडल है, मोमबत्ती है, वो बिल्कुल आपको सीधी दिखाई दे रही है दर्पण। अब हमने क्या करना है, अब हम एक और इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे, हमने एक कागज़ लेना है या कोई भी आप चार्ट पेपर या कोई भी चार्ट पेपर या शीट ले सकते हो। आपको इस शीट को इस मिरर के पीछे रख देना है। तो जैसे ही आप इस मिरर के पीछे उस शीट को रखोगे, आप ये देखोगे कि आपको उस शीट पे यानी जो आपके पास चार्ट पेपर है उस पे आपको इस मोमबत्ती की इमेज यानी प्रतिबिंब नहीं मिले। आप उस शीट को अगर इसके आगे रख देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपको किसी भी तरीके का प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो ये मिरर है, जो आपका दर्पण है, वो बिल्कुल ढक चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इमेज है यानी जो एक समतल दर्पण है वो जो प्रतिबिंब बनाता है, जो इमेज बनाता है, वो हम किसी भी तरीके की स्क्रीन, किसी भी तरीके के पर्दे में हमें नहीं मिलती है। यानी जो आपकी इमेज बनती है यानी प्रतिबिंब बनता है वो एक वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है वो किस तरीके की प्रतिबिंब बनाता है? एक पहला सीधा सीधा प्रतिबिंब यानी इरेक्ट इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। तो हम क्या देखेंगे, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी में, द कैंडल विच अपेयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर, द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। यानी जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, यानी हमें ऐसा लगता है कि जो आपकी मोमबत्ती है, कैंडल है, हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है।
यानी जो मिरर है उसके द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब यानी इमेज है, यानी जो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जब आप एक्टिविटी करोगे, आप मोमबत्ती को रखोगे मिरर के सामने, तो आपको इस मिरर में यानी इस दर्पण में उसकी इमेज दिखाई दे, क्या दिखाई देगी? इमेज दिखाई देगी। पर पहले आपको ऐसा लगेगा कि इसके पीछे, मिरर के पीछे यानी दर्पण के पीछे भी कोई कैंडल रखी है, लेकिन वो क्या है बेसिकली, वो आपका एक इमेज है, प्रतिबिंब है, जो कि इस समतल दर्पण ने बनाया है। किसका? आपके इस ऑब्जेक्ट का, जो कि आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, एक मिरर है। वस्तु क्या है आपकी, जो आपकी एक ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु, वस्तु क्या है इस केस में आपकी, एक कैंडल है यानी मोमबत्ती। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो इस ऑब्जेक्ट की बनेगी यानी मोमबत्ती की बनेगी, और आपको ऐसे लगेगा कि एक मोमबत्ती इस दर्पण के पीछे रखी हुई। यहां मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है, यानी जो आपका इस केस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कैंडल क्या है वो एक वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, और जो आपको मिरर यानी दर्पण में जो आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो मिरर है, दर्पण है, उसके पीछे एक मोमबत्ती रखी है, वो असलियत में क्या है, वो एक्चुअली क्या है, जो आपने ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा है यानी मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब है यानी इमेज। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। यानी जैसे मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, जो आपका दर्पण है उसके सामने जो हमने ये क्या रखा है, मोमबत्ती रखी है, ये जो हमने मोमबत्ती रखी है इसको हम कभी लेफ्ट साइड में ले जाएंगे यानी ऊपर नीचे रखेंगे, कभी इधर मूव कराएंगे, कभी किधर गति कराएंगे, अलग अलग दिशाओं में हम इसे मूव कराएंगे, और हम क्या देखेंगे कि जो इसकी इमेज यानी इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिल्कुल सीधा बन रहा है यानी इरेक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब एक प्लेन मिरर बनाता है, यानी जो इमेज या जो एक मिरर समतल दर्पण एक प्रतिबिंब बनाता है, वो कैसा होता है? वो सीधा प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का होता है, यानी कि जो आपका इमेज होती है, यानी जो आपकी इमेज होती है, ठीक है, यानी जो आपका प्रतिबिंब होता है, किसके द्वारा बनाया गया? आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया, ठीक है, जो आपका प्लेन मिरर है जो आपका प्लेन मिरर है यानी जिसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, इसके द्वारा बनाया गया इमेज यानी जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वो सीधा होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कैसी इमेज बनाता है, सीधी इमेज। कैसी इमेज बनाता है? सीधी इमेज यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और कैसे, जिसे हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। और कैसा होता है? सेम साइज दैट ऑफ मिरर, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु है उसी की साइज का होता है, यानी सेम साइज, सेम साइज यानी यानी सेम साइज की इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, और सेम साइज की इमेज बनाता है यानी समान अमाप
यानी सेम साइज की क्या बनाता है, इमेज बनाता है या फिर प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि आपका जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, वो प्रकाश को परावर्तित करता है, वो जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसी होती है, सीधी होती है, ठीक है, इरेक्ट होती है, और उसी साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, जिस साइज की वस्तु है। यानी इस केस में जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, क्या है, एक कैंडल है, तो ये कैंडल की साइज की ही इमेज बनाएगा, यानी उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैंडल के जितना ही लंबा चौड़ा हो। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी क्वालिटी की। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, एक चार्ट पेपर को जो दर्पण है उसके पीछे रखेंगे, फिर कैंडल को आगे रखेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो पीछे चार्ट पेपर रखा गया है उस पे किसी भी तरीके का प्रतिबिंब यानी इमेज नहीं बने। फिर हम उस चार्ट पेपर को उस मिरर के आगे भी रखेंगे और हम देखेंगे कि किसी भी तरीके का प्रतिबिंब चार्ट पेपर में हमें नहीं मिल रहा है। जो आपको प्रतिबिंब मिल रहा है वो सिर्फ आपको दर्पण यानी जो आपका प्लेन मिरर है उस पे ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको, आप ये देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं हुआ है, और इस केस में पर्दा क्या है, हमारा चार्ट पेपर है। यानी यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल के नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। यानी आपको जो कैंडल है, मोमबत्ती है, उसका जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है, आपको किसी भी तरीके के पर्दे में नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने यहाँ चार्ट पेपर का यूज किया, चार्ट पेपर में आपको इमेज नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज, ठीक है, जो इमेज आपको जो प्लेन मिरर के माध्यम से जो भी आपको इमेज प्राप्त होगी यानी प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा यानी आभासी, वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, वो पहला लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है यानी प्रकाश का परावर्तन करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है लाइट का। पहला पॉइंट क्या है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है यानी प्रकाश का परावर्तन करता है। दूसरी क्या आपको क्वालिटी पता चली, दूसरी क्या आपको इसकी प्रॉपर्टी पता चली कि जो ये प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब यानी जो आपकी इमेज होती है कैसी होती है, इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है। वर्चुअल होती है यानी आभासी होती है। और सेम साइज की होती है यानी जो साइज ऑब्जेक्ट का है, जो साइज वस्तु का है, उसी साइज की जो आपकी इमेज जो होती है एक सीधा दर्पण बनाता है। यानी जो आपका समतल दर्पण है, ठीक है, जो आपका समतल दर्पण है, ठीक है, जो आपका प्लेन मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इरेक्ट यानी सीधा, आभासी यानी वर्चुअल, और सेम साइज का, किस साइज का, सेम साइज का, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज का वो प्रतिबिंब यानी इमेज बनाता है। तो आज हमने बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स लिए, टॉर्च के एग्जाम्पल लिए, ट्रेन का एग्जाम्पल लिया, और हमने देखा कि किस तरीके से जो आपकी लाइट होती है या प्रकाश होता है वो एक बीम की फॉर्म में ट्रैवल करती है। फिर हमने एक एक्टिविटी के थ्रू ये समझा
किस तरीके से जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वो सीधी रेखा पे गमन करती है यानी चलती है, जिसके लिए हमने क्या करा था, पाइप की हेल्प ली और देखा कि आपको जो आपका मोमबत्ती होता है उसकी जो फ्लेम होती है वो आपको तभी दिखाई दी जब आपने एक सीधा पाइप लिया था और उससे उस फ्लेम को देखा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो आपकी लाइट रेज होती है यानी प्रकाश की किरणें होती है वो परावर्तित करती है यानी रिफ्लेक्ट होती है। कब परावर्तित करती है? जब वो किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है, जैसे कि हमने एक तालाब का एग्जाम्पल देखा और दर्पण का एग्जाम्पल देखा। फिर हमने एक्टिविटी देखी कि किस तरीके से जो आपका प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना आपको दिखाता है, प्रकाश का परावर्तन इस परिघटना को आपको दिखाता है। आपने इसको ऑब्जर्व किया एक्टिविटी के थ्रू। फिर हमने दूसरी एक्टिविटी की जिससे हमें क्या पता चला कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, वो जो इमेज यानी प्रतिबिंब बनाता है वो कैसी होती है, सीधी होती है यानी इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है यानी आभासी होती है, और सेम साइज की होती है यानी उसी साइज की होती है जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट। तो मैं आशा करती हूँ आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, जो मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए उनको आपको रिवाइज करने हैं और कल रिवाइज करके आना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।